हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे क्रूड का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्रूड बंद हुआ है 7824 पे, लगभग 41 रुपीस डाउन। और यहाँ जो है, तो आप मंथली चार्ट पे देखोगे तो हमने ऊपर के लेवल टेस्ट करने की कोशिश की, उसके बाद में अच्छा खासा फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ चुका है और हम फिर से 7800 के लेवल के करीब ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ हमने 8300 के ऊपर लेवल देखे थे, 8372 का हाई लगाया था वहाँ से जो है, तो फिर से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। मंथली चार्ट पे जो है, तो मुझे लगता है अभी हम जो है तो करेक्शन और कंसोलिडेशन फेज में जा रहे हैं और यहाँ हो सकता है कि हमें निचले लेवल जो है तो आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड पे जो सपोर्ट है वो है 7100 का, लगभग 7100 का, और उसके बाद में 6400 के आपको सपोर्ट जोन दिख रहे हैं। और यही सपोर्ट जोन टेस्ट करने के लिए क्रूड ऑयल जो है तो नीचे आ सकता है। तो यहाँ करेक्टिव पैटर्न रहेगी ऊपर की तरफ जो है, तो रेजिस्टेंस बना रहेगा अराउंड 8200, तो 8200 के अराउंड जो है तो रेजिस्टेंस है कॉपर क्रूड के लिए। और नीचे जो है 7100 और उसके बाद में 6400, ये सपोर्ट जोन है। और यहाँ जो है तो क्लियरली मुझे लगता है कि टॉप आउट पैटर्न दिख रहा है। मुझे जिस तरह से ऊपर की तरफ से सेलिंग आ रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें हाई नहीं देखने को मिलेगा अभी। अभी मोस्टली हम जो है तो साइडवेज या फिर निचले लेवल जो है तो क्रूड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज पर मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे कंसोलिडेशन के सिग्नल है। वीकली चार्ट देखते हैं अभी। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो इस वीक क्रूड जो है तो लगभग 3.75% नीचे बंद हुआ है 250 रुपये लॉस के साथ। पिछले हफ्ते हमने 10% के गेन देखे थे, लगभग 700 रुपये की रैली देखी थी। इस हफ्ते हमने लगभग 3.75% के प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखे। तो यहाँ जो है तो हो सकता है कि ये करेक्टिव पैटर्न अभी कंटिन्यू होगा, ये बाउंस बैक शायद खत्म हो चुका है और हमें जो है तो क्रूड में शायद निचले लेवल देखने को मिल सकते हैं एज पर वीकली चार्ट। तो यहाँ 7100 और उसके बाद में जो है तो आप 6350 या फिर 6200 के लेवल पकड़ के चलिए, तो ये लेवल जो है इन लेवल की तरफ क्रूड ऑयल बढ़ सकता है। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो है लगभग 8200 के अराउंड। अगर उसके ऊपर जाता है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं जाएगा, अगर उसके ऊपर जाता है तो आपको शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। अगर उसके जब तक उसके नीचे है तो आपको जो है तो करेक्टिव या फिर जो है तो सेल ऑन राइज व्यू रखना चाहिए। आपके टारगेट होंगे 7100, उसके बाद में 6200 के आपको मीडियम टर्म में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ भी करेक्टिव पैटर्न जो है तो कंटिन्यू हो रहे हैं। तो वीकली चार्ट पे भी मुझे क्रूड जो है तो बेयरिश लग रहा है और यहाँ सेल ऑन राइज व्यू रहेगा। डेली चार्ट देखते हैं, तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं हमने जो है तो शुरुआत वीक की थी, उसके बाद में फिर से सेल ऑफ देखा था 7000 के अराउंड। सपोर्ट लेने के बाद हमने एक रैली, शॉर्ट कवरिंग रैली और बाइंग रैली देखी थी जो लेकर गई थी 8300 की तरफ। और अभी जो है तो फिर से हम जो है तो निचले लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ जो है तो डाउन साइड पे 7600 और 7400 ये सपोर्ट जोन है। तो अगर ये सपोर्ट जोन टूटते हैं तो मुझे लगता है कि हमें जो है तो डीप डाउन लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ जो है और यहाँ शायद या फिर हम जो है तो एक साइडवेज मार्केट में जा सकते हैं। यहाँ आपको जो है तो जब तक आपको श्योर शॉर्ट जरा शॉर्ट चाहिए तो 7400 के नीचे ही सेल करना है आपको। उसमें जो है तो आपके जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 7200 से लेकर 6400 तक। तो हम सेल करेंगे 7400 के नीचे ही अगर आपको श्योर शॉर्ट ट्रेड चाहिए तो। यहाँ क्योंकि हम जो है तो साइडवेज भी हो सकते हैं, ऊपर जो है तो मुझे लगता है कि फिर से हमें सप्लाई देखने को मिलेगा 8300 से लेकर 8500 के अराउंड। डेली चार्ट पे ऐसा क्लियर कट सिग्नल नहीं है, यहाँ करेक्टिव पैटर्न ज़रूर है, मगर यहाँ जो है तो नीचे के लेवल से फिर से आपको जो है तो सपोर्ट भी आते हुए देख रहा है। तो यहाँ मोस्ट प्रोबेबली आपको एक साइडवेज या फिर रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिल सकता है इन शॉर्ट टर्म। आई विल गो शॉर्ट ओनली बिलो 7400। इंट्राडे में शॉर्ट कर सकते हो अगर आपको वैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है, मगर आपको एक अच्छा खासा शॉर्ट मोमेंटम के साथ चाहिए तो आपको वो 7400 के नीचे ही मिलेगा। ऊपर जो है तो 8300 और 8500 ये जो है तो एज ए रेजिस्टेंस काम करेंगे क्रूड ऑयल के लिए। डेली चार्ट पे ऐसा कुछ क्लियर कट सिग्नल नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली हम जो है तो 7400 के नीचे ही हमें एक अच्छा खासा
वीकनेस दिखाई देगा। अगर हम फिर से 7300 के ऊपर जाते हैं तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है जो क्रूड को लेकर जाएगी 8500 से लेकर 8900 की तरफ। तो आपको जो है 8300 के ऊपर लॉन्ग रहना है, 7400 के नीचे शॉर्ट रहना है। करंटली जो है तो मुझे लगता है कि हम एक रेंज बाउंड ट्रेड देख सकते हैं क्रूड में। यह कोई ऐसा क्लियर कट ट्रेड नहीं है अभी तक। तो 7400 का लेवल वॉच करेंगे शॉर्ट के लिए और 8300 का लेवल वॉच करेंगे लॉन्ग करने के लिए। क्लियरली अभी फिलहाल डेली चार्ट पे कोई मुझे ट्रेड दिखाई नहीं पड़ता है, या मोस्ट प्रोबेबली हम जो है तो शायद एक रेंज में ही घूमते रहेंगे। हमें क्लियर कट एक रैली या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा 7400 के नीचे और 8300 के ऊपर ही। तो यहाँ कोई क्लियर कट ट्रेड नहीं है फॉर नेक्स्ट वीक ऑन डेली चार्ट। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको शोर शॉर्ट कमोडिटी कॉल चाहिए विद लाइव मार्केट सपोर्ट एंड फॉलोअप तो आप मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।